हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। रात का समय था। अपर्णा हॉल में कुर्सी पर बैठे बैठे उपन्यास पढ़ रही थी। उसके पति दिनेश काम से अभी तक लौटे नहीं थे। उनका फ़ोन भी अनरीचेबल जा रहा था। पति का इंतज़ार करते करते वो बेचैन हुई जा रही थी। दिल बहलाने के लिए उसने उपन्यास का सहारा लिया था। अपर्णा और दिनेश ने लव मैरिज करी थी। दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। शादी के बाद दिनेश का प्रमोशन हो गया और ट्रांसफ़र भी। दिनेश के कहने पर अपर्णा ने अपनी जॉब छोड़ दी और दोनों नए शहर में आ गए। इनकी शादी को अब 6 महीने हो गए थे। अपर्णा माँ बनने वाली थी। उसका 4th महीना चल रहा था। जिस फ्लैट में वो रह रहे थे वहाँ शिफ्ट हुए उन्हें बस 1 सप्ताह हुआ था। अकेले नए फ्लैट में उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, या सीधे शब्दों में उसे डर महसूस होता था। अपर्णा की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। वो घड़ी की तरफ देखने लगी। उस समय रात के 12 बज रहे थे। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने के लिए वो आगे बढ़ी और आई होल से बाहर की तरफ देखने लगी। बाहर उसे एक छोटी सी लड़की दिखी जिसका नाम था जया। एक 5 साल की लड़की जो कि सामने वाले फ्लैट में अपनी दादी के साथ रहती थी। भला इतनी रात को इसे यहाँ क्या काम है, अपर्णा मन ही मन सोचने लगी। उसने फिर तुरंत दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही जया रोते रोते बोली, दीदी जल्दी चलो, दादी कुछ नहीं बोल रही। अपर्णा को समझते देर नहीं लगी कि जया की दादी की तबीयत खराब हो गई होगी। उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक ही होगी। उस फ्लैट में सिर्फ वो ही जया के साथ रहती थी। सभी उन्हें उमा दादी बुलाते थे। उनकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं था। आज ज़रूर उनकी तबीयत बिगड़ रही होगी, इसीलिए जया मदद मांगने आई होगी। ऐसा सोचकर अपर्णा उनके फ्लैट के पास गई। दी जल्दी चलो, दादी बेडरूम में है, जया बोली। अपर्णा ने बेडरूम में जाकर देखा कि जया की दादी सो रही थी। वो उनके पास गई। उसने दादी की सांसें और धड़कनों की जांच करी। दादी की सांसें रुक चुकी थी, धड़कन भी थम चुकी थी और आंखें उलट चुकी थी। अपर्णा समझ गई कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन छोटी सी जया को वो क्या ही बताती। बेटा, दादी सो रही हैं, तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, दादी को परेशान नहीं करते, अपर्णा ने दादी की आंखें बंद करते हुए कहा। वो सोचने लगी कि इतनी रात को उसे अब इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। सबसे पहले वो जया को अपने साथ अपने फ्लैट में ले आई। बेटा भूख लगी है तुम्हें, कुछ खाओगी, अपर्णा ने जया से पूछा। नहीं दीदी थैंक यू, मैंने खाना खा लिया था, जया ने जवाब दिया। अच्छा, पर दूध तो तुम्हें पीना पड़ेगा, अपर्णा प्यार से बोली। नहीं दीदी मुझे कुछ नहीं चाहिए, दादी चाहिए, दादी कुछ बोल क्यों नहीं रही, जया थोड़ा दुखी मन से बोली। बताया ना बच्चे, दादी सो रही हैं, रुको मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ, कहते हुए अपर्णा किचन की तरफ बढ़ी। तभी दरवाजे से किसी के ठकठकाने की आवाज़ आई। शायद दिनेश आ गए होंगे, अपर्णा ने सोचा। वो दरवाजे के पास गई और आई होल से बाहर देखने लगी। बाहर देखते ही अपर्णा का शरीर डर से जम गया। बाहर जया की दादी खड़ी थी। थोड़ी देर पहले उसने जिस वृद्ध महिला को मृत देखा था वो अब उनके दरवाजे के बाहर खड़ी थी। इतनी रात को वो फ्लैट में अकेले एक छोटी बच्ची के साथ थी। डर से वो कांपने लगी। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। शायद मुझे देखने में भूल हुई होगी, अपर्णा ने अपने मन में सोचा। साहस जुटाकर उसने एक बार फिर से आई होल से बाहर देखा। बाहर सच में जया की दादी ही खड़ी थी।
लेकिन उनके साथ सुभद्रा जी और गौरी भी थी। दोनों उसी बिल्डिंग में रहते थे। सुभद्रा जी का परिवार एक सभ्य परिवार था। वो अपने पति और 24 वर्षीय बेटे के साथ रहती थी। सुभद्रा जी का स्वभाव बेहद नर्म था। वो अपने पति और बेटे के खिलाफ कभी नहीं जाती थी। कोई भी निर्णय वो उनसे पूछकर ही लेती थी। उनका बेटा थोड़ा गुस्सैल था और उनके पति का स्वभाव भी रौबीला था। दोनों ने ही सुभद्रा जी पर ऐसे अंकुश लगा रखे थे कि उनसे बिना पूछे वो घर से बाहर कदम तक नहीं रखती थी। दूसरी तरफ गौरी 15 साल की सुंदर और भोली भाली सी लड़की, उसके परिवार में माता पिता और एक छोटा सा भाई था। उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। उसके पिता अक्सर ही बीमार रहते थे और माँ सिलाई का काम करती थी। पैसों की कमी के कारण उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन भाई को अच्छी पढ़ाई देने के लिए वो अपनी माँ के साथ सिलाई के काम में हाथ बटाती थी। सुभद्रा जी और गौरी दोनों के ही घर में जया का आना जाना था। दोनों ही जया से बहुत प्यार करते थे। एक सप्ताह में अपर्णा अपने पड़ोसियों के बारे में इतना तो जान ही चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ अभी भी आ रही थी। सांस रोके हुए अपर्णा ने दरवाज़ा खोला। जया की दादी को वो बुत बनकर देखती रही। उसे अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं हो रहा था। फिर उसने सुभद्रा जी और गौरी की तरफ देखा। तीनों ही बहुत परेशान दिख रहे थे। बेटा, तुमने जया को वहीं देखा है क्या? दादी ने अपर्णा से पूछा। हाँ, अंदर है ना, अपर्णा बोली। भगवान का शुक्र है, जया मिल गई, कहते हुए दादी ने चैन की सांस ली। आप लोग जया को ढूंढ रहे थे, पर वो तो थोड़ी देर पहले। अपर्णा सब बताने ही वाली थी कि सुभद्रा जी कहने लगी। हाँ, जया को हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे। उमा ताई का बीपी लो हो गया था तो उन्होंने उसे मुझे बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन वो शरारती लड़की तब की गई, अब तक लौटी ही नहीं। आप लोग अंदर आइए, सुभद्रा जी की बातें सुनकर अपर्णा बोली। फिर वो तीनों हॉल में आ गए जहाँ जया बैठी हुई थी, पर अभी वो वहाँ नहीं दिख रही थी। अपर्णा ने तीनों को सोफे पर बिठाया और जया को ढूंढने के लिए किचन की तरफ गई। हॉल, किचन, बेडरूम, टॉयलेट, जया कहीं पर भी नहीं दिखी। अपर्णा ने हॉल में आकर सबको बताया कि जया नहीं मिली। ये सुनते ही दादी बेहोश सी गिरने लगी। सुभद्रा जी ने संभाला और सभी फिर से परेशान दिखने लगे। अपर्णा दादी के लिए पानी ले आई और उन्हें पिलाने लगी। वो सभी को बताना चाहती थी कि वो थोड़ी देर पहले ही जया के साथ दादी से मिलने गई थी, तब उसने उन्हें मृत देखा था, लेकिन दादी की तबीयत देखकर उसने इन बातों को मन ही मन दबा लिया। इन बातों को उसने अपना भ्रम समझते हुए टाल दिया और दादी को सहारा देने लगी। दादी की आंखें नम और शरीर दुर्बल दिख रहा था। जाने कहाँ किस हाल में होगी मेरी जया, दादी आंसू पोंछते बोली। वो मेरे बिना मेरी बच्ची अकेले रो रही होगी, चलो उसे ढूंढना होगा, कहते हुए दादी खड़ी होने लगी, लेकिन फिर से गिर गई। दादी को संभालते हुए सुभद्रा जी बोली, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप पहले थोड़ा आराम कर लो और पानी पियो, फिर हम सब साथ चलेंगे जया को ढूंढने। पानी का ग्लास हाथ में लिए दादी अपने अतीत में खो गई। पानी का एक घुट पी कर वो अपनी आप बेटी बताने लगी। कहते हैं कि बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं और बेटियां कर्ज। मेरे पति की भी यही विचारधारा थी, इसीलिए उन्होंने मेरी दोनों बेटियों को इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। 2 बार उन्होंने मेरा गर्भपात कराया, तब जाकर ईश्वर की कृपा हुई और आशीर्वाद से हमें एक बेटा मिला। दादी ने इतना बताया ही था कि उन्हें हिचकियाँ आने लगी। उन्होंने पानी का दूसरा घूंट पिया और आगे बताने लगी। मुझे देखो, बेटा होते हुए भी आज मेरे पास कोई सहारा नहीं है, सिर्फ जया ही मेरे जीवन की रोशनी है। उसके जन्म पर मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन उसके पिता को बेटा चाहिए था। ईश्वर ने उसकी भी सुनी और मेरी बहू की गोद में नन्हा लाल दे दिया। दादी भावुक हो गई, उनका गला भी भारी हो गया था और आँखें आंसुओं से भर चुकी थी। फिर भी वो रुकी नहीं और आगे बताती रही। मेरे बेटे को US में नौकरी मिल गई, उन लोगों का तो वीज़ा आ गया पर मेरा वीज़ा नहीं बना। मैं अकेला महसूस ना करूं, इसीलिए मेरा बेटा जया को मेरे पास छोड़कर अपनी पत्नी और बेटे के साथ अमेरिका चला गया।
मम्मी पापा को याद कर जया अक्सर रोती थी, लेकिन धीरे धीरे हम एक दूसरे का सहारा बन गए। आज मैंने उसे भी खो दिया, मुझे उसे ढूंढना होगा, कहते हुए दादी फिर से खड़ी हो गई। अपर्णा ने दादी का हाथ पकड़ा और उनके साथ जया को ढूंढने जाने का फैसला करा। चारों जया को ढूंढने निकल गए। गौरी जया के सभी खेलने की जगहों को जानती थी, इसीलिए वो दादी की मदद करने आई थी। वो उन्हें पार्क ले जा रही थी, लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दूसरी मंजिल में जया के चिल्लाने की आवाज़ आई। आवाज़ एक फ्लैट से आ रही थी। चारों फ्लैट के दरवाजे तक पहुँचे और अंदर से जया के रोने की आवाज़ आ रही थी। पर ये फ्लैट तो सालों से खाली है, सुभद्रा जी बोली, लेकिन इस फ्लैट से अक्सर लड़कियों के रोने की आवाज़ आती है। मैंने इस बारे में सेक्रेटरी अंकल को बताया था, लेकिन उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला, गौरी बोली। ये सुनकर सभी घबरा गए और दरवाजे पर धक्का देने लगे, पर दरवाज़ा बंद था और अंदर से जया के रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी। जया मैं आ गई, तू डर मत, कहते हुए दादी ने फिर से दरवाजे पर धक्का दिया। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, अपर्णा ने कहा। तीनों को अपर्णा का सुझाव सही लगा। पुलिस का नाम कहते ही दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। वे फ्लैट के अंदर जाते कि उससे पहले सुभद्रा जी के फ़ोन की घंटी बजने लगी। उन्होंने फ़ोन उठाया तो ये उनके पति का था। वो घर पर बिना किसी को बताए आई थी, इसीलिए उनके पति गुस्से में थे और सुभद्रा जी को वापस बुला रहे थे। सुभद्रा जी ने फ़ोन कट कर दिया। मुझे घर जाना पड़ेगा, वो बोली। आप हमारी मदद नहीं करेंगी, अपर्णा ने कहा। मुझे जाना पड़ेगा, मेरे पति बुला रहे हैं, बोलते हुए सुभद्रा जी की आंखें नम हो गई। अपर्णा सुभद्रा जी की भावनाओं को समझ रही थी। उसने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ, आप जाने का फैसला ले सकती हैं, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ, गौरी बच्ची है और दादी की सेहत का अंदाज़ा आपको होगा ही, हम आपके बिना अधूरे हैं, आगे आपको जो सही लगे। अपर्णा की बातें सुनकर सुभद्रा ने अपनी आंखें मूंद ली। उन्होंने निर्णय लिया और आंखें खोलकर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर फ्लैट के अंदर जाने लगे। चारों के अंदर आते ही फ्लैट का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर चारों तरफ अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी किसी अनजान पुरुष के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। कौन हंस रहा है, अपर्णा ने पूछा। कौन हंस रहा है, मुझे तो किसी की हंसी की आवाज़ नहीं आ रही, दादी ने हैरानी से पूछा। मुझे सुनाई दे रही है, गौरी बोली। और मुझे भी, सुभद्रा ने कहा। दादी के अलावा तीनों को किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी, पर अंधेरे के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी चारों तरफ एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई और थोड़ी ही देर में वो चारों बेहोश हो गए। गौरी को अब होश आने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसने अपने आप को एक सुनसान इलाके में अकेले एक रस्सी से बंधा पाया। उसने अपने चारों तरफ देखा, कहीं कोई भी जनमानस दिखाई नहीं दे रहा था। उसके साथ दादी सुभद्रा या अपर्णा कोई भी नहीं था, चारों तरफ बस अंधेरा था। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ पर कैसे पहुँच गई, और ना ही वो उस जगह को पहचान पा रही थी। उसके दोनों हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। किसी तरह उसने अपने आप को उस रस्सी के बंधन से आज़ाद कर लिया और फिर इधर उधर जाकर सबको ढूंढने लगी। दादी कोई है, ज़ोर ज़ोर से गौरी ने आवाज़ दी, लेकिन वहाँ उसके सिवा दूसरा कोई ना था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी, इंसान तो दूर 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 तक कोई पेड़ पौधा भी नज़र नहीं आ रहा था। अंधेरे में खैर उसे ज़्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा था। फिर वहाँ पर धीरे धीरे धुंध छाने लगी। कुछ देर के बाद गौरी धुंध में खो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े जा रही थी। काफ़ी देर तक चलने के बाद उसे जया की आवाज़ सुनाई दी। दादी दादी, जया की आवाज़ गौरी को स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तभी धीरे धीरे धुंध हटने लगी और सामने लगभग 100 मीटर दूर उसे जया दिखाई दी। जया के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसे एक टूटी नाव में बिठा दिया गया था।
नाव नदी में आधी डूब चुकी थी और उसके साथ ही जया भी डूब रही थी। जया को ऐसी हालत में देखकर गोरी की घबराहट के मारे आंखें बड़ी हो गई। वो जया को बचाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसे एक और आवाज़ सुनाई दी। दीदी। आवाज़ गोरी के छोटे भाई की थी। उसके भाई की आवाज़ दूसरी तरफ से आ रही थी। गौरी ने अपनी दूसरी तरफ देखा तो लगभग 100 मीटर ही दूर उसका छोटा भाई एक पेड़ से बंधा हुआ था। परेशानी की बात यह थी कि उस पेड़ की पत्तियों में आग लगी हुई थी और धीरे धीरे वो आग उस पूरे पेड़ को जला रही थी। पेड़ के साथ साथ उसके भाई के भी जलने का खतरा था। जया और गौरी का छोटा भाई दोनों ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और गौरी की दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी थी। वो इतने जया को बचाने जाती तो उसके भाई के प्राणों पर खतरा होता, वहीं अगर भाई को बचाती तो जया की जान जा सकती थी। गौरी जया से भी उतना ही प्यार करती थी जितना अपने भाई से, उसके भाई से उसके पूरे परिवार की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। तभी तो गौरी ने अपने भाई के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उसकी माँ और वो कड़ी मेहनत करते थे ताकि उसका भाई अच्छे से पढ़ाई कर सके। अपने भाई को खोने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। दूसरी तरफ जया भी अपनी दादी के जीवन का एक लौता सहारा थी। गौरी जया के प्राणों पर भी खतरा नहीं लाना चाहती थी। वो अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस कर रही थी। फैसला करना बहुत मुश्किल था कि पहले किसे बचाए। जया की नाव धीरे धीरे डूब रही थी और पेड़ की आग भी बढ़ रही थी। तभी जोर जोर से उस अनजान पुरुष के हंसी की आवाज़ आने लगी। गौरी लाचारी में ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते हुए वो वहीं बैठ गई और अपने हाथों से उसने अपना चेहरा ढक लिया। तभी उसे ऐसा लगा कि सुभद्रा, दादी और अपर्णा उसे पुकार रहे हों। रोते रोते गौरी ने अपनी आंखें खोल ली तो तीनों उसके सामने ही थे। अभी भी चारों तरफ अंधेरा ही था, साथ ही उसके हाथ पैर अभी भी रस्सी से बंधे हुए थे। वे लोग एक अंधेरे कमरे में बंद थे। उसे याद आया कि जब वे फ्लैट के अंदर आए थे तब किसी दुर्गंध के कारण वे बेहोश हो गए थे। तभी किसी ने उन्हें इस कमरे में बंद कर दिया था। इसका मतलब अब तक जो उसने देखा था वो बस एक सपना था। क्या हुआ गौरी, तुम चिल्ला क्यों रही थी? अपर्णा ने पूछा। तुम्हारी चीख सुनकर ही हमें होश आया, सुभद्रा बोली। गौरी ने अपने सपने के बारे में विस्तार से बताया। गौरी के सपने ने उन्हें भी परेशान कर दिया। दादी को अब जया की और ज़्यादा फिक्र होने लगी। गौरी अभी भी ये सोचकर घबरा रही थी कि यदि सच में उसे जया और अपने छोटे भाई में से किसी को चुनना होता तो वो किसे बचाती। अपर्णा गौरी की दुविधा समझ रही थी क्योंकि उसका भी अपना छोटा भाई है जिससे वो बहुत प्यार करती है। उसने भी अपने भाई के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ नौकरी करना शुरू कर दिया था। सभी ने गौरी को दिलासा दिया और शांत होने के लिए कहा। चारों अभी रस्सी से बंधे हुए थे। अपर्णा ने सुझाव दिया कि गौरी के बड़े नाखूनों की सहायता से अपर्णा की रस्सी को खोला जाए, फिर वो सभी की रस्सी खोल देगी। गौरी ने ऐसा ही किया और अपर्णा के हाथों की रस्सी खुलते ही उसने सभी की रस्सियाँ खोल दी और अब वो रस्सी के बंधन से मुक्त हो गए थे। लेकिन अभी भी वो एक बंद कमरे में फंसे हुए थे जिसमें अंधेरा फैला हुआ था। वे कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे और आश्चर्य की बात ये थी कि दरवाजे पर ताला अंदर से लगा हुआ था। ताला बहुत बड़ा और मजबूत दिख रहा था जिसे तोड़ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कमरे में एक खिड़की भी थी। चारों इसी उम्मीद से खिड़की से बाहर देखने लगे यदि कोई उन्हें देखे और उनकी मदद कर सके। तभी उन्हें सुभद्रा जी के पति और बेटा नजर आए। वो शायद सुभद्रा जी को ढूंढने ही आए थे। उन्हें देखकर चारों के मन में एक आशा जागी, शायद वे उनकी मदद कर सके। मुन्ना, ओ मुन्ना, सुभद्रा जी जोर जोर से अपने बेटे को बुलाने लगी। वहीं गौरी और अपर्णा जोर जोर से खिड़की को पीटने लगे। दादी भी बेटा बेटा कहकर उन्हें बुला रही थी। चारों पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वे उनकी तरफ देखें और उनकी मदद करें। दूसरी तरफ सुभद्रा जी के पति और बेटे दोनों ही उनकी हालत से बेखबर उधर सुभद्रा जी को ढूंढ रहे थे। दोनों को उनकी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। चारों कोशिश करे जा रहे थे कि एक बार वे उस फ्लैट की खिड़की की ओर देखें। सुनिए, आप तो सुनिए, सुभद्रा जी चीख चीख कर अपने पति और बेटे को बुला रही थी। चीखते चीखते उनका गला भी बैठ गया था, लेकिन सब व्यर्थ था।
उन दोनों तक कोई भी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। कुछ देर बाद ही सुभद्रा जी के पति और बेटा दोनों ही वहां से जाने लगे। सुभद्रा जी हताश निराश हुए पुत बनकर वहीं बैठ गई। बिना पलक झपकाए वो उन दोनों को जाते हुए देखती रहीं। पूरी ज़िंदगी जब मेरी आवाज़ नहीं सुन पाए तो आज कैसे सुन सकते हैं। मैं ही पागल थी जो उन्हें बुला रही थी, जिन्हें मेरी तकलीफ़ से मतलब ही नहीं। उन्होंने तो मुझे कभी सुनने की कोशिश ही नहीं करी। अभी तक अपने आप को, अपनी भावनाओं को मैंने अकेले संभाला था, आज भी ऐसा ही होगा। बोलते हुए सुभद्रा जी खड़ी हो गई। नहीं, आज आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, अपर्णा ने कहते हुए सुभद्रा जी का हाथ पकड़ लिया। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बोले, हम सब साथ हैं। चारों किसी भी कीमत पर अब कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे। उनके पास अब तीन ही रास्ते थे, या तो उस खिड़की को तोड़ दे, या उस बड़े से ताले को, या फिर अपनी परिस्थिति से हार मान लें। हार मानना उन्हें मंजूर नहीं था। शायद उस खिड़की की वजह से हमारी आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही, अपर्णा बोली। क्यों ना हम इस खिड़की को तोड़ दें। सभी को उसकी बात सही लगी। खिड़की को तोड़ने के लिए उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी, इसीलिए वे कमरे के चारों तरफ घूमते हुए किसी मजबूत साधन को ढूंढने लगे जिससे वो उस खिड़की को तोड़ सकें। तभी अचानक गौरी को एक पत्थर मिला और वो बोली, यहाँ एक पत्थर है, शायद ये काम आएगा। पत्थर मुट्ठी के आकार का था, लेकिन दिखने से ही उसकी मजबूती का पता चल रहा था। खिड़की तोड़ने के लिए वो काफ़ी था। गौरी ने पत्थर उठाया और ज़ोर से खिड़की की तरफ फेंका, लेकिन वो पत्थर हवा में ही रुक गया और खिड़की तक पहुंचा ही नहीं। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस पत्थर को रोक लिया हो। चारों हवा में झूलते उस पत्थर को देखने लगे। तभी वो पत्थर तीव्र गति से गौरी की तरफ वापस आ ही रहा था कि गौरी झट से हट गई और पत्थर दरवाजे पर जा टकराया। अगर वो ना हटती तो निश्चित रूप से घायल हो जाती। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वे ऐसी किस परिस्थिति में फंस चुके थे जिसका कोई वर्णन ही ना था। तभी कमरे में पता नहीं कहाँ से धुआं फैलने लगा। ये क्या हो रहा है? पत्थर खिड़की तक पहुँचा क्यों नहीं और वापस कैसे आ गया? और भला अब ये धुआं कहाँ से आ रहा है? अपर्णा हैरानी से बोली। गौरी अब स्थिर न रह सकी और रो पड़ी। रोते रोते वो बोली, हम फंस गए हैं इस धुएं में, तो हमारा दम घुट जाएगा। भगवान जाने हम बच पाएंगे या नहीं। गौरी को रोता देख अपनी लाचारी पर अफसोस करते हुए दादी बोली, मुझे माफ़ करना, मेरे कारण ही तुम लोगों को ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं दादी, ऐसा मत बोलो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हम तो एक हैं ना, जो भी होगा साथ में हम सामना करेंगे। गौरी तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हमें इस ताले को ही तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। सुभद्रा जी बोली और फिर उस गिरे हुए पत्थर को उठाकर ताले पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगी। ताला बहुत मजबूत था और कमरे में धुआं धीरे धीरे बढ़ रहा था। चारों को सांस लेने में धीरे धीरे तकलीफ हो रही थी, लेकिन सुभद्रा जी ताले को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रही थी। आखिरकार वो ताला टूट गया। चारों लोग एक झटके से कमरे से बाहर आए। कमरे से निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे जिस कमरे से बाहर आए थे वे वापस उसी कमरे में आ गए थे। उन्होंने फिर से उस कमरे से निकलने की कोशिश करी, लेकिन घूम फिर कर वो उसी कमरे में आ जाते। चारों बहुत थक चुके थे और इस बार उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक बार फिर से उस कमरे से बाहर निकले। इस बार वे सच में उस कमरे से बाहर आ गए थे। साथ ही में उन्हें मेन गेट भी दिखने लगा था जो कि खुला हुआ था। चारों बिना देरी करे उस फ्लैट से बाहर आ गए। चारों बाहर तो आ गए थे, लेकिन उन्हें जया अभी तक नहीं दिख रही थी। तभी उस फ्लैट के अंदर से फिर से जया की आवाज़ आने लगी। जया रोते हुए अपनी दादी को बुला रही थी, दादी कहाँ हो आप? चारों ने पीछे मुड़कर देखा। जया फ्लैट के अंदर ही थी। वहाँ पर वो एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसके हाथ पैरों पर रस्सी बंधी हुई थी। चारों जया की ऐसी हालत देखकर हैरान थे। उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी कि वो हंसी की आवाज़ जो जया के कुर्सी के पीछे से आ रही थी। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए हंसी के पीछे का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो चेहरे सामने आने लगे।
जया की कुर्सी के पीछे खड़े थे दिनेश, अपर्णा के पति, गौरी के पिता और भाई, सुभद्रा जी के पति और बेटा, और साथ ही जया के पिता। वे वहां खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। हंसते हंसते वो फिर से अंधेरे में जया को अकेले छोड़कर खो गए। उन्हें देखकर दादी बोली, हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? भला ये कैसे हो सकता है? चारों हैरान थे और उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वे तुरंत ही फिर से फ्लैट के अंदर आ गए। अंदर आते ही चारों तरफ का नज़ारा एकदम बदल गया। चारों तरफ अंधेरा और सुनसानी छा गई और वे सभी जया के पास जाना चाहते थे, लेकिन जया और उनके बीच एक अदृश्य दीवार उन्हें जया तक पहुंचने से रोक रही थी। दूसरी तरफ से जया लगातार रो रही थी। तभी अपर्णा ने ध्यान दिया कि जया का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा था। उसे जया के चेहरे में अपना चेहरा नजर आने लगा और फिर उसने दादी की तरफ देखा। दादी के चेहरे में भी उसे अपना चेहरा दिख रहा था। उसने सुभद्रा और गौरी की तरफ देखा और उन दोनों के चेहरे में भी उसे अपना चेहरा दिखने लगा। अपर्णा ने अपनी आंखें मूंद ली। उसके कानों में फिर से वही हंसी की आवाज़ गूंजने लगी। तभी उस हंसी की आवाज़ के पीछे उसे अपना नाम सुनाई देने लगा। आवाज़ थी उसके पति दिनेश की। अपर्णा, अपर्णा उठो, अपनी आंखें खोलो, दिनेश अपर्णा को बुला रहा था। अपर्णा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो अपने कमरे में अपने बेड पर ही थी। आंखें खोलकर वो दिनेश को ध्यान से देखने लगी। अब उठ जाओ, हमारे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, देर हो जाएगी, उठो और तैयार हो जाओ। अपर्णा को याद आया कि उसके गर्भ में लड़का है या लड़की। ये पता करने के लिए दिनेश ने आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था। डॉक्टर जान पहचान का था, इसीलिए जांच करने के लिए तैयार हो गया। दिनेश को बेटा चाहिए था। इस जांच के लिए उसने डॉक्टर को मोटी रकम देने का वादा किया था। मुझे जांच नहीं करानी, अपर्णा ने पहली बार इतने स्पष्ट शब्दों में अपने दिल की बात कही। तुम जानती भी हो क्या बोल रहे हो, दिनेश बोला। बहुत अच्छे थे, मुस्कुराते हुए अपर्णा बोली। उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द साफ दिख रहा था। अपर्णा, जज्बाती मत बनो, फ्यूचर के बारे में सोचो। हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया था कि हम अपने वंश को आगे बढ़ाएंगे और अपने बेटे को उस दुनिया में लाएंगे। फ्यूचर के बारे में सोचकर ही कह रही हूँ, और फैसला तो हमेशा तुम्हारा होता है, मुझे तो बस हमेशा मानना पड़ता है, दिनेश ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कहा। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे परिवार में सिर्फ बेटे जन्म लेते हैं, अब जिद मत करो। अपर्णा ने पलटकर दिनेश के हाथ को धक्का देकर हटाया और कहा, बस अब और नहीं, अब और नहीं सहूंगी। उसकी आंखें क्रोध और पीड़ा से लाल हो गई थी। वो खड़ी हुई और बिना पलटे चुपचाप फ्लैट से बाहर आ गई। दिनेश उसे बुलाता रहा, लेकिन उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। फ्लैट के बाहर आते ही उसे बाहर जया, सुभद्रा जी, गौरी और दादी दिखाई दिए। वे चारों उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अपर्णा भी उन्हें देखकर मुस्कुराई और फिर उनके साथ चली गई। ये घटना जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये आज से कई साल पहले मेरी बुआ जी के गांव में हुई थी, जहाँ उनका ससुराल है। ये घटना मुझे उन्हीं से पता चली है, जिसके बारे में अब मैं आपको वैसे ही बताऊंगा जैसे कि उन्होंने मुझे बताया था। दरअसल उनका गांव, जो कि छत्तीसगढ़ के एक एरिया में है, वहाँ पर उस समय पर एक, यूँ कह लीजिए, जादूगर या तांत्रिक करके एक शख्स रहता था। आसपास के पूरे एरिया में उसका बहुत ज़्यादा नाम था। इसी कारण से मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ का नाम नहीं ले रहा हूँ। वो व्यक्ति इतना ज़्यादा मशहूर हो गया था कि उसके पास दूर दूर से लोग आते थे उस गांव में उससे मिलने के लिए। हुआ यूँ, एक सुबह गांव वालों ने देखा कि उस जादूगर के घर के बाहर एक काफ़ी बड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी, जो कि किसी अमीर आदमी की लग रही थी। अंदर वो जादूगर अपनी पूजा कर रहा था, और जब वो पूजा करके वापस मुड़ा तो उसने पाया एक व्यक्ति जो कि सूट वूट पहनकर आया था, वो उसके सामने सर झुकाए बैठा हुआ है। उसने उसे देखकर पूछा कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब उस व्यक्ति ने अपना सिर नीचे ही करे रखा और उसके बाद बोलना शुरू करा।
उसने बताया कि उसे पिछले काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा डरावने सपने आ रहे हैं और ये सपने एक ही होते हैं जो उसे हर रात आते हैं, जिस कारण से वो कभी भी रात के समय सो नहीं पाता और उस समय पर उसे ऐसा लगता है कि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा जल रहा हो, मानो ऐसे कि उसके चेहरे के आगे ही किसी ने काफ़ी भयानक आग लगा दी हो। इसके अलावा उसका शरीर काफ़ी भारी हो जाता है, जैसे कोई उसको दबा रहा हो। बात करें सपने की तो अपने सपने में देखता है कि कोई भिखारी ऐसा आदमी उसके करीब आता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है और वो देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। वो आदमी उसके पास आकर उसका चेहरा नोचने की पूरी कोशिश करता है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से दर्दनाक चीखों में चिल्लाता है। इस टाइम तक उसका चेहरा उसे नहीं दिख पाता क्योंकि वो थोड़ा अंधेरे से में होता है, पर जैसे ही उसे उसका चेहरा दिखता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके पूरे चेहरे की खाल उतरी हुई थी और उसके चेहरे का मांस और हड्डी अलग ही चमक रही थी, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक था। वो उस व्यक्ति से अपने आप को दूर करने की पूरी कोशिश करता है पर दूर नहीं हो पाता और फिर एक समय ऐसा आता है जब वो भयानक सा दिखने वाला आदमी उसके चेहरे की खाल को उतार देता है और धीरे धीरे उसका चेहरा उसी भिखारी की तरह हो जाता है। जैसे ही ऐसा होता है वो बहुत बुरी तरह डर जाता है और उसकी आँख हमेशा खुल जाती है। उसने बताया कि ये सेम सपना उसे पिछले कई दिनों से लगातार आ रहा है, जिस कारण से अब उसकी सोने की हिम्मत नहीं हो पाती और नहीं सोने के कारण उसके साथ और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा उसकी हेल्थ भी लगातार बिगड़ती जा रही है, इसलिए वो चाहता था कि वो तांत्रिक या जादूगर उसकी इस बारे में मदद करे और उसको इस समस्या से मुक्ति दिलवाए। उसकी पूरी बात सुनने के बाद वो जादूगर जो था उसका चेहरा थोड़ा सा बदला और वो काफ़ी ज़्यादा गहरे भाव के साथ उसको देखने लगा। उसको उसकी बात सुनकर कुछ ना कुछ शक हुआ कि हो ना हो ये व्यक्ति कुछ ना कुछ उससे छुपा रहा है। उसने उससे पूछना सही नहीं समझा क्योंकि वो जानता था कि अगर ऐसी कोई बात है तो उसने अगर अब तक नहीं बताया तो वो आगे भी नहीं बताएगा। इसके बाद वो जादूगर अपने एक अलमीरा के पास गया और उसने वहाँ से दो अगरबत्ती उठाई। इसके बाद उसने वो अगरबत्तियाँ जलाई और उन्हें लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए वो उस व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ऐसा करके वो उसका अतीत जानने का प्रयास कर रहा था। तब वो आदमी अपने अतीत को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखने लगा और ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा। इसके अलावा अब वो जादूगर भी उसके अतीत को देख पा रहा था और ये सच में एक काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक और इंसानियत से भरोसा उठा देने वाली कहानी थी। सब कुछ देखने के बाद उस जादूगर के भाव पूरी तरीके से बदल चुके थे और अब लग रहा था कि वो हर चीज़ जानता है और वो काफ़ी गुस्से में है। दरअसल बात ये थी कि कई साल पहले वो आदमी एक व्यापारी था। उसका व्यापार अच्छा खासा चलता था, पर उसके अलावा उसका एक दुश्मन भी था और वो भी व्यापार ही करता था। वो हमेशा ही उसको नीचा दिखाने का कोशिश करता था और हमेशा उससे लड़ाई करने का प्रयास करता रहता था। हमेशा वैसे तो वो उससे ना लड़ने की ही कोशिश करता था, पर एक बार बाजार में किसी बात पर जब एक व्यापारी की लड़ाई हो गई तो उसके लिए बाकी के सारे व्यापारी भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए, जिसके बाद जब ये सारा मामला शांत हुआ तो ये सभी लोग मिलकर एक ही जगह पर बैठकर शराब पीने लगे। शराब पीने के बाद इन दोनों व्यापारियों को ही एक दूसरे के होने का होश ना रहा और ये दोनों एक दूसरे से उल्टी सीधी बकने लगे। बात शुरू में तो इतनी बड़ी नहीं लग रही थी, पर धीरे धीरे ये बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई और एक वक्त ऐसा आया कि ये बात मरने मारने पर आ गई। तो जो व्यक्ति था जिसकी ये घटना है, उसने शराब की वो बोतल जो कि उसके हाथ में थी, उसने उस बोतल को ज़मीन पर गिराकर तोड़ दिया और उसके कांच को उठाकर उसने गुस्से में उस व्यक्ति के गले में घुसा दिया। इससे हुआ ये कि उस व्यक्ति का गला बुरी तरह से कट गया और उसमें से खून की धार निकलने लगी।
आसपास के जितने लोग थे कुछ भाग गए और कुछ दूर खड़े होकर ही उस पर चिल्लाने लगे और उसे बुरी तरह कोसने लगे। पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस घायल के पास जाए और उसको सहारा देने की कोशिश करे। इधर जैसे ही उसने इस काम को करा, उसकी शराब का सारा नशा उतर गया और अब उसे होश आया और उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या गलती कर दी है। उसे जैसे ही महसूस हुआ कि उसने क्या करा है, वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसने अपना सारा सामान भी वहीं छोड़ दिया और उसी हालत में वो शहर से पैदल चलते चलते रेलवे की पटरी के पास पहुँचा, जहाँ से वो एक ट्रेन में बैठ गया और उसके बाद वो एक दूसरे शहर में चला गया। दूसरे शहर में वो आ तो गया था, पर यहाँ आने के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो कोई भी सामान नहीं लाया था और वो वापस अपने शहर में जा नहीं सकता था डर के मारे। पुलिस का डर, समाज का डर और हर एक चीज़ का डर, इसीलिए वो वहीं पर रहा। उसने कुछ काम ढूंढने की कोशिश करी और उसे कोई काम नहीं मिल पाया और अंत में उसका अंत काफ़ी ज़्यादा दयनीय हुआ। वो सड़क पर अब भीख मांगना शुरू कर चुका था और उसे अपनी जीविका चलाने के लिए यही कार्य करना पड़ता था। दिन रात वो एक सड़क पर बैठा रहता और वहीं से आगे तक घूमकर रात में उसी जगह पर आकर वापस से बैठ जाता। पर एक दिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो कि उसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक दिन जब वो डेली की तरह भीख मांग रहा था, तब उसे एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। वो व्यक्ति काफ़ी पैसे वाला आदमी था, पर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि मैं खुश नहीं हूँ और मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे बस सुकून चाहिए। पता नहीं क्या सोच के वो व्यक्ति उस भिखारी के पास आ गया और उससे पूछने लगा, क्या तुम खुश हो? इस पर उसने अपना मुंह नीचे कर लिया, पर वो व्यक्ति बोला, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करूँगा और तुमसे कुछ बातचीत करूँगा। अब तक उस भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो व्यक्ति कुछ शराब की बोतलें और काफ़ी अच्छा खाना उसके पास लेकर आ गया और सड़क के साइड में बैठकर ही उसके साथ ये सब खाने लगा। इस सब के बाद वो उससे बातचीत करने लगा। बात करते करते कब शाम हो गई इन्हें पता ही नहीं चला, पर उस भिखारी के मन में तो कुछ और ही था। जैसे ही आसपास का एरिया अंधेरे में ढका, उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू करा, जो शायद उसने काफ़ी पहले से ही सोच लिया था। वो आदमी पहले से ही नशे की हालत में बैठा हुआ था और ज़्यादा कुछ करने में असक्षम था। उसने इसी बात का फ़ायदा उठाया और उसने वही कांच की बोतल उसके सर पे दे मारी और उसका सर फोड़ दिया। इसके बाद उसके पास जितने भी पैसे थे, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा में पैसे थे, उसने उसे ले लिया और उसके बाद उसने पहले चेक करा कि वो पूरी तरह मर गया है या नहीं। जब वो मर गया, वो दूर गया और वहाँ से एक बड़ा सा पत्थर लाया और उसने उस पत्थर से उस आदमी का सर कुचल कुचल के उसका चेहरा ऐसा कर दिया कि कोई उसे पहचान ना पाए। उसने उसकी लाश में से कपड़े हटा दिए और उस निर्वस्त्र हालत में उस लाश को एक कूड़ेदान के पास ले आकर घसीट दिया। इसके बाद वो वहाँ से चला गया एक दूसरे शहर में। जब वो यहाँ पर आया तो उसे पता चला एक जगह पर चेहरा बदलने की सर्जरी के बारे में। जब उसे इस बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने कुछ सोचा, कुछ सोचने के बाद उसने उस पर्स को निकाला जो कि उस व्यक्ति के पास था, जिसके अंदर उसकी भी एक फ़ोटो थी। वो उस जगह पर गया जहाँ पर चेहरा बदलने का ऑपरेशन होता था। वहाँ पर उसने थोड़े ज़्यादा पैसे देने की बात कही और उसके बाद उसने जितने पैसे उसके पास थे सारे एडवांस में दे दिए, और वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट था। ऑपरेशन होने के कुछ दिन तक उसे वहीं पर रहना पड़ा, पर जब उसके चेहरे से पट्टी हटी तो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि उसका चेहरा अब उसी व्यक्ति की तरह हो चुका था। उसने अपने प्लान को फिर से आगे बढ़ाना शुरू करा और अब वो वापस से उसी शहर में आया जहाँ पर उसने उसका कत्ल करा था। उसने कुछ नहीं करा, बस कुछ देर के लिए सड़क पर इधर से उधर घूमता गया।
और फिर कुछ समय के बाद एक व्यक्ति ने उसे खुद ही पहचान लिया और उसके बाद वो उसे लेकर उसके घर की तरफ चला गया। उसके घर में, उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ के अलावा और कोई भी नहीं था, जो कि उनकी सारी संपत्ति की मालकिन थी। बस तभी से वो इस धोखे और फरेब की ज़िंदगी को जीने लगा और उसके बाद से ही कुछ समय के बाद उसे वो सपने आना शुरू हो गए। बात सिर्फ सपनों तक ही नहीं थी, उसे कई बार वो व्यक्ति अपनी आंखों के सामने खड़ा हुआ दिखाई देता, जिसका मतलब ये था कि उसकी आत्मा अब उससे बदला लेने वापस आ चुकी थी। जब जादूगर ने सब कुछ देखा तो उसके होश उड़े रह गए और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके का काम करके मेरे पास आकर मेरे से मदद की उम्मीद रखने की। इस पर वो आदमी उसे पैसे का लालच देने लगा और बोला कि मैं आपको जितना चाहिए उतना पैसा दूंगा, बस मुझे इस सब से मुक्त कर दीजिए, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। उस जादूगर ने कुछ सोचा और उसके बाद उससे बोला, ठीक है तुम मुझे अपने घर का पता दो, मैं वहाँ पर आऊँगा। उस जादूगर ने सब इस तरीके से बोला कि उस व्यक्ति को यकीन हो गया कि अब वो उसके साथ है। उसने उसे अपना पता दे दिया और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगा। पीछे से जादूगर उसे देखकर मुस्कुराता रहा। जैसे ही वो वहाँ से चला गया, जादूगर ने पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में बता दिया और थोड़ी तफ्तीश के बाद और कुछ जांच के बाद जब उसके चेहरे के ऑपरेशन के बारे में पता चला और उस डॉक्टर ने भी इस बात को मान लिया कि उसने वो ऑपरेशन करा है, तब उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया और आखिरकार उसे अपने गुनाहों की सज़ा मिल गई। पर ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। जिस समय पर वो जेल गया और जेल में जाने के चौथे दिन के बाद ही उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसकी मौत का कारण आज भी सब यही मानते हैं, किसी व्यक्ति की आत्मा ने उसकी हत्या करी जिसका चेहरा उसने लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की घटना। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। स्टोरीज आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।